शाम के 7 बज रहे हैं और आधे घंटे में मध्य प्रदेश की हर वो बड़ी खबर आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात हरदा की करेंगे। हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हरदा बैतूल हाईवे पर हादसा हुआ है। जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी हरदा से सामने आई है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी हरदा से सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर हरदा में एक बार फिर देखने को मिला है। हरदा बैतूल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई इस पूरे हादसे में। जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। ट्रक ने टक्कर मारी है बाइक सवारों को और 3 लोगों की मौत हो गई। तो हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है। 3 लोगों की मौत हो गई है। और आगे बढ़ेंगे, बात करते ग्वालियर की। एक्शन में खाद्य विभाग देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारा चौपाटी पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, छापा मारा है। कई दुकानों पर कार्रवाई की गई है। 2 दुकानों से संदिग्ध सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। इधर मौके से खराब तेल को डिस्पोज कराया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से। तो कई दुकानों पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर एक्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। 2 दुकानों से संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई, जिसके सैंपल लिए गए हैं और खराब तेल को डिस्पोज कराया गया, उसे नष्ट कराया गया है। तो ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है खाद्य विभाग की।